तुम्हारे बाबा को जाल में फंसाने के लिए। इस बार हमने ऐसा जाल बुना है कि उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। ना तू उसे बचा पाएगी और ना ही तेरा भगवान। क्यों मारना चाहते हो आप मेरे बाबा को? क्या मिलेगा आपको? क्या दुश्मनी आपकी उनसे? बताइए ना बुरे टुकराए। सुनो, ये साड़ी पैक कर दो। और हाँ, थोड़ा लिहाज रखना, पहले किश्त समय से पहले दिए। कीमत पता है इसकी? कीमत इस पर लिखी रकम से थोड़ी होती है, कीमत तो पहनने वाली से होती है। हाँ सुनो, ये पीको विको फॉल वॉल सब लगवा कर मेरे घर भिजवा देना। और इसके पैसे अगली किश्त में जोड़ देना। देखो, हेलो, एक साड़ी आप मेरे लिए भी पसंद कर दीजिए ना। हर हर महादेव। जबान से जितना तीखा है, दिल से उतना ही फीका है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, रखते हैं। नीलू सुनो, ये ना गंगा और बाबूजी के बालों का सैंपल है, इनका डीएनए टेस्ट करवाना है। ध्यान रहे, कहीं भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि गंगा हमारा बड़ा भाई है या नहीं, और जैसे ही मालूम चले ना, सबसे पहले हमको बताना। ये भी कोई कहने वाली बात है का? हम ना सबसे पहले आकर आप ही को बताएंगे, केवल आपको। बाकी ना कलर ना ये रंग आप पर बहुत सूट कर रहा है, हमारे साथ जच रहा है ये रंग। और आज ना बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। काहे? मक्खन रात में। काहे ना मंजले ठाकुर, हमने ठाकुरायन को वादा दिया है कि हम गंगा का सच सामने आने नहीं देंगे। भले ही हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी प्यार की निशानी को इंसाफ दिलाना ना ज्यादा जरूरी है। आप मेरे पापा को क्यों मुझसे छीनना चाहती हैं? पापा, कितनी बार समझाया तुम्हें कि हम यहाँ दुश्मनी दिखाने नहीं आए हैं, बस प्यार जताने आए हैं। डोरी ठाकुरन जी, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। हम तुम्हें बुलाने ही आए हैं। अच्छा? हाँ गंगा, कल तुमने हमसे कहा था ना, हम जो चाहे तुमसे मांग सकते हैं, बस वही मांगने आए हैं।
आदेश कीजिए, क्या चाहिए आपको? हमने हवेली में 16 श्रृंगार की साड़ियों का फैशन शो रखा है, बस तुम्हें वहां आना है। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से हम यही सोच रहे थे कि इस शो में मुख्य अतिथि के रूप में हम किसे बुलाएं। कल तुमने हमसे कहा कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी, और कल तुमने हमारी जान बचाई थी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाला हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ गंगा, ये भगवान का ही संकेत है कि हम मुख्य अतिथि के रूप में तुम्हें वहां बुलाए। तुम आओगे ना गंगा? ये सच कि गंगा महेंद्र ठाकुर का सबसे बड़ा बेटा है, ये कभी भी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। तभी तो हमने गंगा को यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। गंगा यहाँ आएगा और जैसे ये पुतले पर से वो पर्दा हटाएगा, हमने ये जो बॉम्ब लगाया है इस पुतले पर, वो फूट जाएगा और उसी के साथ साथ गंगा की कहानी भी खत्म हो जाएगी। गंगा की कहानी खत्म मतलब गंगा का ये सच कि वो ठाकुर साहब का सबसे बड़ा बेटा है, वो भी खत्म हो जाएगा। गंगा, हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करोगे ना? नहीं, पापा नहीं आएंगे। नहीं बुरी टुकड़ाई, पापा नहीं आएंगे। टोरी, बाबा भी तो कह रहे हैं ना कि हमने उनकी जान बचाई, तो फिर ये आरोप तुम हम पर क्यों लगा रही हो? गंगा, कोई बात नहीं, अगर तुम अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम चले जाएंगे यहां से खाली हाथ, लेकिन हम ये सोचकर बहुत खुश होंगे कि हमारी एक कोशिश की वजह से हमने एक जान। गंगा की जान बचाई। तुम्हें अपना समझकर हम यहाँ आए थे, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, पर एक बात हम कह देते हैं, अगर तुम वहां नहीं आओगे ना तो हम ये जश्न रद्द कर देंगे। बस ऐसा क्या रिश्ता है हमारे गंगा का ठाकुराइन के साथ, क्योंकि जान की दुश्मन बननी पड़ी है। ये संकट में यह मदद करो, उसकी सच्चाई जानने में हमारी मदद करो माँ, मदद करो, मदद करो माँ, मदद करो। अंश की भी नजर उतार दीजिए पंडित जी, हमेशा अपने पापा की तरह रोते ही रहता है, एक भी नहीं सुनता हमारी। साल, किसका साल है?
जैसे निशान वाले कपड़े में वो औरत गंगा को मुझे सौंप गई थी। पंडित जी किसका है? ये किसका पंडित जी? ये कपड़ा तो उसी औरत का है जो अभी अपने बच्चे के साथ आई थी। अभी तुरंत बाहर निकली है, गाड़ी में बैठने वाली होगी। अगर ये कपड़ा उस औरत का है तो जरूर उस औरत का हमारे गंगा से कोई ना कोई रिश्ता होगा। मुझे उसे मिलना चाहिए। संकट मैया, ठाकुरायन की छोटी बहू के पास इस साल कैसे है? गंगा, हम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रहे क्योंकि हम तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हमने तुम्हारी जान बचाई लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। इसमें हमारा कोई लालच नहीं थी। मैं आऊंगा, मुझे आपका निमंत्रण मंजूर है। आऊंगा मैं। अपनी मौत के जश्न का न्योता स्वीकार करने के लिए शुक्रिया गंगा, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंश के शॉल को छूने की? पता है कितनी महंगी शॉल है, सोने के तार से बनी हुई है, रख दो मुझे। लेकिन सुनिए ना, ये आपके पास कैसे आया? हमारे खानदान का ये पुश्तैनी शॉल हमारे पास नहीं हो तो क्या आपके फटीचर नाती गंगा के पास होगा क्या? हैं? इसे छूने के लिए ठाकुरों के घर बेटा बनकर जन्म लेना पड़ता है। पुश्तों से ये शॉल हमारे परिवार के हर बेटे के लिए बनाया जाता है, वो भी खास कमल की डिजाइन वाली। सालों पहले ठाकुरों के ऐसे ही निशान वाले कपड़े में वो औरत गंगा को मेरे हाथ में सौंप गई थी। कहीं गंगा उन ठाकुरों का खून तो नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया गंगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। माँ जी, यश जी को वापस घर में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ही बताओ सुधा, कब तक एक माँ अपने बेटे से दूर रह सकती है? तुम हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हो तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि बदले में हम तुम्हें एक तोहफा दें। पर क्या माँ जी, पर पहले जो कुछ भी हुआ, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं सुधा बहू। पहले भी 3-4 बार तुम्हारा बच्चा गिर गया था। यश चाहे कुछ भी माने लेकिन वो यही समझता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी औषधि की वजह से हुआ है, जबकि सच बात यह है कि तुम्हारी कोख तुम्हारी खुशियां नहीं संभाल पा रही थी।
इसीलिए हम डर रहे हैं कि कहीं इस बार भी कुछ ऐसा ना हो जाए। ऐसा मत कहिए, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। सुधा बहू, इसीलिए हम तुम्हें एक सुझाव देना चाहते हैं। हमारी एक गुरु माँ है, बनारस से थोड़ी दूर में है। हम चाहते हैं कि 10-15 दिन के लिए तुम वहाँ चली जाओ, उनके आश्रम में। बहुत अच्छा साया पड़ेगा होने वाले बच्चे पर। और तुम देखना, आने वाले जो महीने हैं ना, वो भी बिना किसी खतरे के गुजर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ठकुराई जी के पास जाने नहीं दूंगी। अरे तेरा बाबा मैं हूं या तू है? मैंने तय कर लिया है, मैं जाऊंगा। मतलब जाऊंगा। ठकुराई बहुत बुरी है, उन्होंने आपको मुझसे छीना था। उनकी अरे रुक जा, मुझे एक ही चेहरा याद है, वो चेहरा जिसने मेरी जान बचाई थी। वो मेरा बुरा क्यों चाहेगी? अच्छा चल, तेरी बात मैं मान लेता हूं, तो जवाब दे, वो मेरी जान क्यों लेगी? बुनकरों की ठाकुरों से क्या दुश्मनी हो सकती है, बता। है जवाब तेरे पास? इस सवाल का जवाब दे दे तो मैं नहीं जाऊंगा। पापा आपको मैं माइक का सच नहीं बता सकती, क्योंकि ठाकुरायन आपको छोड़ेगी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि आपको सच पता है, मेरी बात नहीं मान रहे और उनकी मान रहे हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो बाबा, ठकुराइन जी बुरी है, अच्छे नहीं है। मेरे पे विश्वास करो बाबा, वो सामने कुछ और कहती है और अकेले में कुछ और। मैं आपकी बेटी, आपकी डोरी, वो आपकी कुछ नहीं है। आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, मुझ पे ना? मेरा सवाल अभी वही है, बुनकरों की ठाकुरों से क्या दुश्मनी हो सकती है? जवाब दे वरना जाऊंगा मैं। तो आप मेरी बात नहीं मानोगे? जवाब मिलेगा तो मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। है जवाब? हाँ है जवाब, पर इसके लिए आपको अंदर चलना पड़ेगा। चलो चल, अच्छा ले आ गया अंदर, बता। आपको लाल धागा ले आओ। डोरी, ये क्या मजाक है? दरवाजा खोल। डोरी, 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 दरवाजा खोल। डोरी, मुझे आने दे बाहर। डोरी, 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 दरवाजा खोल। डोरी, मुझे माफ करना बाबा, पर मैं आपको फिर नहीं खो सकती। डोरी, डोरी, आप हवेली जाएंगे तो पूरी ठकुराइन आपको भगवान जी के पास भेज देगी। डोरी दरवाजा खोल वरना मैं तोड़ दूंगा। डोरी, नहीं खोलूंगी, जाने दे बाहर। डोरी, डोरी, बाबा जो स्कार्फ आपने मेरे लिए बनाया था ना, मैं वही लगा कर जा रही हूँ। ये बहुत कीमती है मेरे लिए, और आपने मुझे लक्ष्मण रेखा की कहानी सुनाई थी ना, समझ लीजिए ये ताला और उस पर बंधा मेरा स्कार्फ लक्ष्मण रेखा ही जो मैंने आपके लिए खींची है।